तो फ्रेंड्स हाय वेलकम, देखेंगे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स के, आप लोगों के लिए क्या है राइट नाउ। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, वाइस काउंसलर। वर्ल्ड को क्लियर करते हैं। फोर ऑफ स्पोर्ट्स, एट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स एंड वाइस काउंसलर को क्लियर करते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम पे है नाइट ऑफ वैन। ओके, करंटली जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो आई थिंक पास्ट में जी रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई या जो भी जैसा भी रिलेशनशिप था उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एंड कहीं ना बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। एंड आई थिंक वो किसी की ना हेल्प ले रहे हैं, किसी टैरो रीडर की या फिर किसी साइकिक की। वो ना आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए। उनके अंदर प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, ठीक है। मतलब इस रिलेशनशिप में काफ़ी पैशन देख रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर लेके आना चाहते हैं। क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक मतलब लगा लो कि एक स्टेबल ऑफर देने वाला बंदा है, ठीक है। एंड वो किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर ले रहे हैं। एक्चुअली वो ये सोच रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वजह से भी वो किसी ना किसी से रीडिंग्स वगैरह ले रहे हैं, आपके पार्टनर भी, ठीक है। वो भी जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा इनसे, आपसे। तो ऐसे उनकी सोच बनी पड़ी है। कहीं ना कहीं बहुत हायर लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा। और ये पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है, आप लोगों को डिवाइन ने मिलाया है। कोई स्पिरिचुअल उनका कोई मकसद है, कोई सोल लेवल पे लेसन लगा लो या सोल लेवल पे ग्रोथ के लिए आपको मिलाया है। और देख लेते हैं करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। नाइन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स करंटली आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। पर उनके अंदर डर है एक कि कैसे बातचीत स्टार्ट की जाए, ठीक है। बॉटम पे एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको लेके आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं एंड आपके साथ बात करना चाहते हैं एंड आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं ना, आपके साथ एक डेटिंग वगैरह जैसे कह लूँ मैं। तो वो उनके दिमाग में घूम रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ डेट करना है, घूमने जाना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है या फिर इंटीमेट होना है, एवरीथिंग उनके दिमाग में ये सब चल रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है उनका आप लोगों के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये रिवर्स में आया तो मैं रिवर्स में ही लेने वाली हूँ। देखिए आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सही, लेकिन ये कोई खास एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। कोई आपको स्टेबल, अगर मैं बोलूँ स्टेबल ऑफर का, ये सोचते ज़रूर है पर वो देने को राज़ी ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या रीज़न है, फिर भी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कार्ड्स को। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लियर कर, फोर ऑफ पेंटिकल, अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ये, क्योंकि वहाँ से उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। किंग ऑफ वैंड को क्लियर करेंगे, एस ऑफ वैंड। इनके अंदर आपके लिए पैशनेट एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना।
एंड ये चाहते हैं ईगो में बैठे कि आप इनकी तरफ एक्शन लो, ना कि ये आपकी तरफ लें। वो इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आया है? सेवन ऑफ वैंस। यस, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है, ईगो क्लैशेस हैं। एंड ये पर्सन, अगर मैं एक्शन का बोलूँ तो ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेने वाला, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ईगो है, ठीक है। तो फिलहाल तो अगर नेक्स्ट एक्शन का पूछ रहे हो तो फिलहाल ये यही चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लो, आप शुरुआत करो, आप बात करो, या फिर अगर ब्लॉक किया हुआ है तो आप अनब्लॉक करो, या कैसे भी आप इनको कॉन्टैक्ट करो। तो ये खुद से आपकी तरफ नहीं आने वाले, ये चाहते हैं आप इनकी तरफ आओ। तो ये करंट फीलिंग्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।